हेलो, कैसे हो आप सब? आज हम बना रहे हैं चिल्ली पराठा। चिल्ली पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए सरसों का तेल। हम यहाँ डाल रहे हैं थोड़ा सा सरसों का तेल, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना, थोड़ा सा करना है बस। बस इतना सा ही तेल यूज़ करेंगे हम। इसे गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे कुछ इस तरह के कटे हुए प्याज। गैस को धीमी आंच रखेंगे और ये कुछ इस तरह की कटी हुई शिमला मिर्ची। और इस तरह हमने पराठे बना लिए हैं, ये नमक डाल के बनाए हैं, रोटी की तरह बना के इन पे घी लगा दिया। हल्का सा इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। बस इनका कच्चापन निकालना है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये देखिए हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच को थोड़ा धीमी कर देंगे। तीन चम्मच मैं डालूंगी इसमें चिल्ली सॉस, 1 चम्मच मतलब, क्योंकि मैंने लाल मिर्ची उबाल कर नहीं पीसी हुई है। आज मेरे पास टाइम कम था, लाल मिर्ची उबाल के पीसोगे उसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच ही मैं डालूंगी इसमें टमाटो सॉस। सारी सॉस इसमें जा चुकी है और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। पराठों में नमक है तो इसलिए इसमें हम कम ही डालेंगे। थोड़ा सा डालती हूँ मैं इसमें काली मिर्च पाउडर और इसी के साथ में डालूंगी मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। इनको थोड़ा सा मिक्स होने देते हैं, तब तक 2 से 3 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। 2 से 3 मिनट इसे पके हुए हो गए हैं। अब हम डालेंगे, इस तरह मैंने काट लिए हैं पराठे, ये देखिए ये पराठे इसमें डाल देंगे। इन्हें मिक्स कर देंगे। किस किस ने ये पराठे खाए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, बहुत अच्छे लगते हैं। कलर इनमें और भी अच्छा आता है यदि आप उबाल के मिर्ची, लाल वाली मिर्ची होती है उसे पीसेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट और कलर भी आता है इससे। इनको पकाना नहीं है, सिर्फ इनको मिक्स करना है। ये देखिए हमारा चिल्ली पराठा बन गया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करते रहना, अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर भी कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।